Boop. Good girl. Penny. Boop. Good girl. कैसे सीख लिए तुम लोग? I didn't teach you guys. Hazel, Penny, I'm very sad today. Give me some love. पागल है क्या? क्या आपको खुजली है? खुजली है आपको? एक आता है लगाने के लिए, ऑइंटमेंट लगाओगे? खुजली के लिए एक ऑइंटमेंट आता है। ओके ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि बंदर को टेम करके रखना बहुत डिफिकल्ट है। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, ये एक बंदर है हमारे घर में। ये देखो बंदर को, ये बंदर शक्ल दिखा। बंदर बंदरिया, देखो ये बंदर को देखो। शो योर फेस बंदर। देखो ये बंदर रहती है घर में, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहती है, प्यार से रहती है। बंदर, ओए बंदर, भाग गई बंदर। जब उसको खुजली होता है, खुजली भी करती है और बुलाने से आती भी है। बंदर कम है, कम है बंदर। देखो अब ये भी बंदर बन रही है धीरे धीरे। सो वी हैव टू बंदरियाज। लोग ऐसे भी कहते हैं कि बंदर को आप ट्रेन नहीं कर सकते हो। बंदर बिल्कुल ट्रेनेबल है। डाउन, गेट डाउन। गुड बंदर, गुड, वेरी गुड। मेरा जो एक्सपीरियंस है इन बंदरों के साथ बहुत अच्छा रहा है। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ बंदर। एंड ये थोड़ा सा लो क्वालिटी है, ऑलमोस्ट लाइक ए डॉग। डॉग्स के साथ बहुत अच्छे से ये लोग रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ट्रैगो कम है, आप अभी देख सकते हैं। डॉग्स के साथ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदर बहुत अच्छे से जेलअप हो जाता है। ये देखिए वहाँ पे आपको बहुत सारा, लेट मी शो यू। आपको ये जो ट्रीज दिख रहे होंगे उसके ऊपर चढ़ने के लिए, देखिए बंदर कैसे उतावला हो रहा है। ये उनका गेम होता है, बंदर ऐसे खेलते हैं। ये देखिए 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 देखिए, बंदर जंप भी करती है। ऑब्वियसली आप तो जानते हैं बंदर कैसे जंप करती है। मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ घर के अंदर ये लोग कैसे जंप प्रैक्टिस करते हैं। बंदर कम है, कम है बंदर। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि बंदर को अगर हम रखेंगे तो उसको क्या खिलाएंगे। खिलाने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस एक चप्पल दे दीजिए इनको और ये लोग बहुत खुश हो जाएंगे और वो चप्पल को खाने लगेंगे। देखिए चप्पल को खाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं बंदर। अगर एक बंदर कुछ खा रहा है तो दूसरा वेट करता है। आप इनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, कैसा लग रहा है चप्पल खाते हुए। बंदर बूप, गुड गर्ल। बंदर कितना अच्छे से ट्रेन हो जाता है देखिए आप। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप दो बंदर लेके आइए। दो बंदर आपस में खेलते रहेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, दिन भर खेलते रहेंगे। बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो लोग करेंगे। आप उनके साथ खेल भी सकते हैं, बिल्कुल वो लोग बाइट नहीं करते। ओए बंदर्स, हेलो बंदर। दोनों बंदर बहुत अच्छे से अभी खेल रहे हैं साथ में। आप भी उनके साथ खेल सकते हैं, बिल्कुल हार्मलेस हैं, बिल्कुल हर्ट नहीं करते हैं आपको। और कैसे हो बंदर? पता नहीं क्यों थोड़ा सा। आप देख सकते हैं बंदर पानी भी पीते हैं। ये पानी पी चुकी है बंदर और ये बातें भी सुनते हैं। सच गुड बंदर। और बहुत, मैं जैसे आपको दिखाया था, बहुत ज़्यादा ये लोग ट्रेनेबल भी हैं। बंदर बूप, गुड गर्ल बंदर, बहुत अच्छी बंदर है ये। गाइस अगर आपको बंदर को घर में रखने के बारे में कोई भी आपको डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बंदर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको मुझे बताइए। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा गर्मा गर्म। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एक बंदर को पेड़ों में रहना पसंद है या घर में रहना ज्यादा पसंद है। तो चलिए एक बंदर से ही सवाल करते हैं। आपको क्या, क्या आपको घर में रहना पसंद है? क्या कहना चाहोगे? तो इससे ये पता चलता है कि बंदर बात नहीं कर सकते हैं। लाइफ में एक बार हर किसी को एक बंदर तो रखना ही चाहिए घर में। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। बंदर बूप।